उत्तराखंड के पहाड़ियों में बना हुआ बाबा का नीम करौली की दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए थे। हजारों किलोमीटर की दूरी से तय करने के बाद पहाड़ियों में चोटियों में घिरी हुई यह मंदिर कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड में यह मंदिर बाबा नीम करौली की मंदिर की दर्शन करने के बाद हम लोग अब बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बाबा नीम करौली के यहाँ माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से आता है, जो श्रद्धा लिए मन में आता है, उसका मनोकामना बाबा अवश्य पूरा करते हैं। बाबा नीम करौली के दर्शन करने के बाद हम लोग पहाड़ी की तरफ चढ़ाई की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। यहाँ काफ़ी दूर दराज से भक्तजन आते हैं बाबा नीम करौली के यहाँ अपने मन की श्रद्धा को लिए हुए। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही समृद्ध बाबा नीम करौली की कैंची धाम वाले बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा कैंची धाम वाले बाबा के इतिहास उसी प्रकार बताया जाता है। ये नहीं खाली की चमत्कार देखना है, चमत्कार देखना है, चमत्कार मिलने आए हैं, मिलने आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड के धरती पर सबसे पहले हम लोग नैनीताल आए थे। नैनीताल से हम लोग कैंची धाम नीम करौली बाबा का दर्शन किए। यहाँ आने के बाद काफ़ी अपने आप में एक शांति महसूस हुई, बेहद ही सुखद आनंद मिला। और यहाँ एक टूरिज्म जगह है, काफ़ी दूर दूर से आप देख रहे हैं गाड़ियों पे टूरिस्ट पर्यटक अपने सामान को लिए समेटे हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाबा नीम करौली बाबा का दर्शन कर रहे हैं। बाबा बहुत ही चमत्कारी हैं। बताया जाता है कि फेसबुक के CEO अमेरिकन कंपनी एप्पल के मालिक भी यहाँ आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में चार चांद लग गए बाबा नीम करौली के दर्शन करने के बाद। हम लोग हनुमानगढ़ी तरफ आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जब भी आपको मौका मिले देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए, तो एक बार बाबा नीम करौली की दर्शन कैंची धाम वाले बाबा का दर्शन जरूर करें। और वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि कहा ही जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों धाम हैं, अनेकों मंदिरें हैं, जो कि अपने आप में भारत की संस्कृति को धरोहर को समेट कर अपने अंदर रखा हुआ है। यदि भारत को समझना है तो दूर दराज की पहाड़ियों के चुटकियों पे, पर्वत के श्रृंखलाओं पे आइए, घूमिए, देखिए, बाबा का दर्शन कीजिए, तब भारत की संस्कृति आप समझ पाएंगे। भारत क्या है? भारत एक शब्द नहीं है, भारत केवल एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक संस्कृति का धरोहर है, भारत एक अपने आप में संस्कृति समेटा हुआ है। यह बाबा नीम करौली का मंदिर के सामने का रोड पर आप लाइव दृश्य दिख रहे हैं। कुछ ये हवा फल।